गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हमारी जो इंग्लिश क्लासेस चल रही हैं उनमें हमने दो टॉपिक की सीरीज़ शुरू कर रखी है, एक टेंस की और एक पैसिव वॉइस की। तो आज हम टेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उस टेंस सीरीज़ के आगे की कड़ी हम आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारे इस वीडियो को हम शुरू करें। आज हम आपके लिए टेंस की जो आगे की कड़ी है, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक हमने पीछे समझा है उसके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या और आगे जितने भी टेंस हैं उनको समझें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, जो हमारे टेंस सीरीज से रिलेटेड जो पिछला वीडियो था उसमें हम चल रहे थे, तो हम एक चार्ट मैंने आपको बना के बताया था, उसके अंदर हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक की बात की थी। आज हम उसके आगे का पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको समझेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, देखिए मैं थोड़ी बहुत आपको मौखिक जानकारी यहाँ देता हूँ, उसके बाद हम स्क्रीन पर आपके लिए बाकी की चीज़ें लेकर आएंगे। तो सबसे पहली बात, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट मतलब बीता हुआ समय भूतकाल, और परफेक्ट यानी पूर्ण, यानी ऐसी बातें या ऐसे सेंटेंस, ऐसी कोई भी घटनाएं जो पीछे हो चुकी हैं, जो भूतकाल में हो चुकी थी उनको बताना हो, उन्हें बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हिंदी के अगर सेंटेंस की बात करें तो उसमें चुका था, चुकी थी, या फिर एक और भी होता है, जैसे हम चुका था चुकी थी का प्रयोग बहुत कम करते हैं बोलचाल में, हम बोलेंगे कोई काम कर लिया था, वो चला गया था, आ गया था, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा, उसके अंदर एक तो ये कोई काम कर लिया था, ये पहचान है। इसके अलावा इस टेंस के अंदर वर्ब की जो फॉर्म्स है वो क्या होती हैं, इस टेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म लगाई जाती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज इसके अंदर होता है। यानी जैसे कि राम घर जा चुका था या मोहन ने कपड़े धो लिए थे, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, मोहन ने कपड़े धो लिए थे, मोहन ने कपड़े धो लिए थे, इसकी इंग्लिश क्या, मोहन हैड वॉश्ड द क्लोथ्स, यानी मोहन ने कपड़े धो लिए थे। ऐसे ही मान लीजिए सीता ने चावल पका लिए थे, तो सीता हैड कुक्ड द राइस, इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो आइए आगे की सीरीज हम जो है आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो हमने लिखा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आप नोट कर लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म होगी। आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये करेक्ट फॉर्म इस टेंस में यूज होती है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें दो क्लॉज होते हैं, सिंगल क्लॉज नहीं होता है, दो क्लॉज होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनेट का भी होता है और एक पास्ट परफेक्ट का होता है। तो पास्ट इंडेफिनेट के और पास्ट परफेक्ट के, इन दो क्लॉज को ऐड करने के लिए जो एडवर्बियल्स यूज किए जाते हैं, जो कंजक्शंस यूज की जाती हैं, वो हैं आफ्टर है, बिफोर है या वैन है, इस तरह की कुछ एडवर्बियल्स जो हैं वो यूज होते हैं इस टेंस के अंदर। तो इस टेंस के अगर इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचाने कि वो पास्ट परफेक्ट का है, मान लो उसमें करेक्ट फॉर्म भरनी हो, सेंटेंस में ब्लैंक दिया है, खालिस्तान दिया हुआ है, आप सेंटेंस देख रहे हैं, आई ब्लैंक फिर ब्रैकेट में है रीड द न्यूज़पेपर बिफोर माय फादर केम, आपने सेंटेंस देखा, तो इसमें आप देखेंगे आगे वाला जो क्लॉज था बिफोर के बाद का, बिफोर के बाद का जो क्लॉज आप देख रहे हैं, माय फादर केम, बिफोर माय फादर केम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है।
और उसके पहले जो है आई ब्लैंक, फिर ये कौन सा हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या फिलअप करेंगे, हैड कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ब्रैकेट में रीड है उसकी थर्ड फॉर्म रेड, तो इस तरह से हो जाएगा आई हैड रेड द न्यूज़पेपर बिफोर माई फादर केम। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस की अगर करेक्ट फॉर्म फिल करनी हो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो इस तरह से की जाती है। तो ये एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको समझने का तरीका है आपने देखा। और इस टेंस के अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो क्लॉज होते हैं, तो स्ट्रक्चर जो बिफोर और आफ्टर से स्टार्ट होता है। तो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें। इसको उल्टा भी किया जा सकता है, वो वाला इधर भी हो सकता है। जैसे अभी हमने जो सेंटेंस समझा था आई हैड रेड द न्यूज़पेपर, उसमें बिफोर वाला जो क्लॉज है वो बाद में था, तो ऐसे भी हो सकता है। इसी तरह से एक और होता है आफ्टर से स्टार्ट होके, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा आगे वाला, और ऑब्जेक्ट लगा के और शेष चीज़ें आ जाएंगी। तो अब इसको भी उल्टा किया जा सकता है, इसको इधर कर सकते हैं हम, जो उधर वाला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा नहीं आएगा, फिर आफ्टर को इधर से बीच में ले आएंगे, आफ्टर फिर सब्जेक्ट फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसको इधर से उधर, उस क्लॉज को इधर और इस क्लॉज को उधर भी किया जा सकता है। यानी कि आप पास्ट इंडेफिनिट के क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट इन दो क्लॉज को मिलाकर ही इस टेंस को यूज़ किया जाता है। जैसे इसके लिए एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस, जब भी कोई भी ये टेंस पढ़ाता है तो उसमें ये यूज करते हैं। ज़्यादातर आप टीचर्स को आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस आपको पढ़ने को मिल ही जाता है इस टेंस के अंदर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। तो इसी तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था वो पास्ट परफेक्ट टेंस पर था। तो आपने समझा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर किस तरह से किया जाता है। तो आज के लिए हम आपके लिए चार सेंटेंस मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, लिख लीजिए। मेरे घर पहुँचने से पहले सीता ने रसोई साफ कर ली थी। मोहन के आने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। पिताजी के अखबार पढ़ चुकने के बाद मैंने पढ़ा। मोहन के घर जा चुकने के बाद मैं सोया। इस तरह के जो सेंटेंस हैं आपके सामने, ये चार पांच सेंटेंस मैंने बोले वो आप नोट कर लें, इनको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट के माध्यम से या फिर अपनी नोटबुक में करके और उसकी एक पिक आप मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो थंबनेल के ऊपर आपको दिखाई देगा, तो आप वहां से नंबर ऐड करके और आप मुझे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेज सकते हैं। तो आज वाले हमारे इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से किसी भी हिंदी के परफेक्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य की इंग्लिश में चेंज किया जाता है, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं ये हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और हम वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही, चलते हैं।